याद होगा कि जो पावना डैम है उसको लेकर विवाद चल रहा था, आक्रोश चल रहा था, वो जो जलवाहिनी बंद हो गई, आपने वादा किया था कि इसको इसका समाधान करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ TV1 को। जी सर, देखिए गए 5 साल में पावना डैम का मैंने जितना ही वहाँ से पानी की कैपेसिटी बढ़ाई जाए उसलिए बहुत सारे प्रयास किए। आपसे मांग की गई थी कि लोनावला मुंबई के बीच में ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाई जाए, पुणे से लोनावला तक लोकल ट्रेन चलाने के बारे में रेल विभाग द्वारा कार्रवाई पूर्ण किए। स्टेट गवर्नमेंट का जो हिस्सा है वो देना बाकी था, स्टेट गवर्नमेंट ने मान्यता देनी बाकी थी। मैं बीच में माननीय CM साहब के साथ बैठक कर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ये भी मंजूरी थोड़े दिन में मिल जाएगी। पानी की समस्या जरूर है, ये भी मैं मानता हूँ। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पनवेल में भूमि पूजन किया है। करीबन पनवेल सिटी को 200 ml पानी और सिड़कों के या JNPT को पानी, शुद्ध पानी देने के बारे में इस पूरे इलाके में जितने गांव है, गांव या शहर में बसे लोगों को शुद्ध पानी देने के लिए एक योजना राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है और ये योजना निश्चित रूप से 1.5 साल में पूरी हो जाएगी। मैं जो 27 बरस राजनीति में हुए, 20-22 साल पार्षद रह चुका हूँ पिंपरी चिंचवड़ कारपोरेशन में, अभी 7 साल होने लगे मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। निश्चित रूप से मुझे मावल के जनता ने भरोसा रखकर दोबारा भेजा है, ये भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगा। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।